हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोबस.net। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MIUI 9 के 9.6.25.0 अपडेट के बारे में, जो कि पोको F1 फ़ोन के लिए फाइनली रिलीज हो चुका है। इस अपडेट जो था कल शाम को ही आया था, और काफ़ी सारे लोगों को इसका OTA अपडेट जो 9.6.22.0 था उसके ऊपर मिलना शुरू हो गया है। हमने भी उस अपडेट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं आज आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से फीचर्स जो हैं इस MIUI 9 के अपडेट के अंदर फिक्स किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नई देखने को मिलती हैं, और कौन 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 से बग्स जो हैं जो अभी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पोको F1 का फ़ोन है। इसके अंदर हमने जो अपडेट है, रिसेंटली अपडेट OTA फाइल को इंस्टॉल कर लिया है। मैं अबाउट फोन में आपको दिखा देता हूँ एक बार। एंड्रॉइड वर्जन 8.1.0 पे ही है ये। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे इस सिक्योरिटी पैच जो है, अभी भी आपको सितंबर का ही 2018 का सिक्योरिटी पैच मिलता है। और MIUI ग्लोबल 9.6 स्टेबल 9.6.25.0 अपडेट है ये। देखिए आप जो सामने लिखा हुआ है 9.6.2.5.0। तो ये अपडेट जो है हमने आज मैनुअली इंस्टॉल कर लिया है। काफ़ी लोगों को इसका OTP आ गया था बट हमें नहीं आया था, और मैं रीजन चेंज नहीं करना चाहता था, तो इसके लिए मैंने इसकी zip फाइल को डाउनलोड किया और इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लिया है। मैं आपको इसके व्हाट्स न्यू के जो फीचर है, जो चेंज लॉग है, वो आपको दिखा देता हूँ एक बार कि क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है चेंज लॉग में। तो ये देखिए व्हाट्स न्यू में मैं चाहता हूँ एक बार, तो कि व्हाट्स न्यू में कुछ चीज़ें मेंशन की है। सिस्टम के अंदर की अपडेटेड सिक्योरिटी पैच है आपको MIUI 9 के अंदर। डिवाइस कुड नॉट बी टर्न ऑन एंड वाज स्टक ऑन द ब्लैक स्क्रीन बिकॉज ऑफ द सेवरल सिस्टम प्रोसेस इन सम केसेस। हाँ, तो ये एक इशू काफ़ी ज्यादा लोगों को देखने को आ रहा, तो ये इन्होंने इसके अंदर फिक्स किया है। और अदर जो चीज़ जो उन्होंने फिक्स किया है, जो DND मोड होता था टर्न ऑफ आफ्टर रिबूटिंग द डिवाइस, ठीक है। रिबूट करने के बाद जो आपका DND मोड था वो मोस्टली ऑफ हो जाता, अगर आपने उसको इनेबल कर रखा होता था, और जैसे आप अपने फोन को रिबूट करते थे तो ये जो ऑप्शन था फिर से काफ़ी लोगों को डिसेबल हो जाता था, यानी टर्न ऑफ हो जाता था। तो इसको भी इन्होंने इसके अंदर फिक्स किया है। कैमरे के अंदर आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, आपको AI मोड अभी भी देखने को मिल जाता है। वीडियो के अंदर आपको जो है, वीडियो की मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए वीडियो क्वालिटी में आप देख पाएँ, आपको अल्ट्रा HD यानी 4K रिकॉर्डिंग मिलती है, 1080p की रिकॉर्डिंग मिलती है। अभी आपको 60 FPS की रिकॉर्डिंग इसमें देखने को नहीं मिली है। बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस किए नहीं गए हैं। फाइल मैनेजर में अभी भी आपको जो है एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ काफ़ी लोग कंप्लेंट कर रहे थे हमें एड्स नहीं चाहिए, तो एड्स आपको अभी भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो बग्स में सोचा था कि ये बग्स जो है जो पिछले अपडेट में जो फिक्स नहीं हुए थे इस बारे में फिक्स हो जाएंगे, बट वो अभी भी फिक्स नहीं हुए हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ा मेजर इशू मुझे आ रहा था वो नेटफ्लिक्स और एस्ट्रल लाइन गेम के अंदर आ रहा था, जो मुझे प्ले स्टोर में फाइंड आउट नहीं हो पा रहे थे। तो ये देखिए नेटफ्लिक्स जो है इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, इसमें अपडेट का ऐप आता है। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ और प्ले स्टोर पर जाता हूँ, तो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन हमें मना कर देता है कि योर डिवाइस इज नॉट कंपेटेबल विद दिस वर्जन, तो मैं इसको अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है नेटफ्लिक्स गूगल प्ले स्टोर में। साथ ही साथ जो गेम है एस्ट्रल लाइन, वो भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। आपको फालतू की चीज़ें इसके अंदर मिल जाएंगी, जैसे एस्ट्रल लाइन के गेम भी हैक्स वगैरह या वॉलपेपर वगैरह कुछ भी, बट आपको जो गेम इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब मुझे नेटफ्लिक्स को अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं नेटफ्लिक्स को ओपन करता हूँ, और अब मैं जो है गूगल प्ले स्टोर को ओपन नहीं करूँगा, इसमें MI ऐप स्टोर जो होता है उसको ओपन करता हूँ, और उसमें जाके जो है ये अपडेट हो जाता है। ये देखिए नीचे जो है अपडेटिंग प्रोसेस जो है हमारे नेटफ्लिक्स का स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप MI स्टोर पे तो अपडेट दे दे रहे हो नेटफ्लिक्स का, बट गूगल के साथ आपका क्या इशू है कि गूगल प्ले स्टोर में ना आपको S19 गेम मिल रहा है, ना ही आपको नेटफ्लिक्स डाउनलोड करने को मिल रहा है। ये तो गलत बात है। पोको F1 जिस तरीके से देखा जाए तो इन सब चीज़ों को इसको मैनेज करना इजीली है, इजी काम है, जिस तरीके से इसका प्रोसेसर है तो सारी चीज़ें काम करनी चाहिए, बट पता नहीं ये एस्ट्रल 9 गेम और नेटफ्लिक्स पे क्या इशू चल रहा है कि वो अब बार बार गेम प्ले स्टोर में मिल ही नहीं रहा या डिलीट हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। थीम्स के अंदर अभी भी आपको वही डिफॉल्ट थीम मिलती है, थीम्स आपको और ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। एक चीज़ और इशू मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने MIUI 10 में भी देखा है और इस रूम के अंदर भी देखा है, वो आपको सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। देखिए सेटिंग्स में जब फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है हाइड स्क्रीन नॉच। जब आप इसको हाइड कर देते हैं तब भी आपको पता चलता है कि आपके फ़ोन में नॉच है। आप समझ पा रहे होंगे, देखिए नॉच का डिस्प्ले आपको अभी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा पास में आकर दिखाता हूँ, ये देखिए नॉच का जो है थोड़ा सा लाइन आपको अभी भी दिख रही होगी कर्व। तो ये पूरी तरीके से जो है हाइड नहीं होता, थोड़ा अजीब सा लेआउट देखने को लगता है जो मुझे पसंद नहीं आ रहा। इस चीज़ को भी इनको फिक्स करना चाहिए। कैमरा टू API इसके अंदर पहले से इनेबल्ड है, जो कि अच्छी बात है। काफ़ी सारे पोको F1 के यूजर्स जो थे गूगल कैमरे को इंस्टॉल करना चाहते थे, और मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं गूगल कैमरे के ऊपर कैसे इजीली इंस्टॉल करते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ना फोन का बूटर अनलॉक करना है, ना रूट करना है, ना TWRP करना है। ये फीचर आपके फ़ोन में पहले से ही अवेलेबल है, सिर्फ आपको एक गूगल की फाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उसको इंस्टॉल करना है। उसका वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैनुअल कैमरा से मैं आपको चेक कर देता हूँ, देखिए कैमरा टू API जो इसके अंदर इनेबल्ड है और सारे गूगल कैमरा के फीचर्स इस पर काम कर रहे हैं।
तो आप कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फाइल को डाउनलोड करना है और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं इसको। बाकी सारी चीज़ें ठीक तरीके से काम कर रही हैं, वोल्ट का फीचर वगैरह सब ठीक काम कर रहा है, बैटरी का अभी भी आपको ऊपर नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलता है, उसको देखने के लिए आपको इसको नीचे करना पड़ता है एक बार, तब जाके आप बैटरी परसेंटेज वगैरह सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बेंच मार्क स्कोर जो है इसको 26.6195 मिला है, जो कि कम है एक तरीके से देखा जाए। MIU 10 के ऊपर आपको 28 के अराउंड मिलता है, 28 से अवब मिलता है। आप MIU 10 पर जाना चाहते हैं तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, कैसे आप MIU 10 के ऊपर जा सकते हैं। उसमें भी बूट लोडर अनलॉक नहीं करना, वो ऑफिशियल मेथड है, उस तरीके से आप आसानी से अपने पोको F1 को MIU 10 के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको अपग्रेड कर सकते हैं। तो अब चलते चलते बताता हूँ कि आपको इसको अपडेट कैसे करना है। आपको अपडेट करने के लिए सिर्फ ये फाइल सेव कर लेनी है, एक 9.6.22 से 9.6.25.0 पर जाने वाली। हाँ, ये अभी अगर आप 9.6.22 के ऊपर है तब आप इस अपडेट को भी इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, सेटिंग्स पर जाना है, सेटिंग्स पर जाके अबाउट फोन पर जाना है, सिस्टम अपडेट पर जाना है, ये तीन डॉट है, इन पर टैप करेंगे, चूज अपडेट पैकेज, फाइल मैनेजर, और इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओके करते हैं और थोड़ी देर में गेटिंग इन्फो होगा और आपको अपडेट मिल जाएगा। मेरे को कैन नॉट वेरीफाई अपडेट इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी 9.6.2.5.0 पे हूँ। मैंने इसी मेथड से अपने फ़ोन को जो 9.6.22 वर्जन पर था उसमें ये छोटी सी फाइल आई, उसको अपडेट किया और हमारा फ़ोन जो है अपडेट हो गया। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आज पोको F1 के यूजर्स को बताना चाहता था कि जो 2.9.6.25 का अपडेट है वो आ चुका है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिला कि आपकी बैटरी बहुत ड्रेन हो रही हो या कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रही हो। कैमरा भी मुझे ठीक लगा, कैमरे में थोड़ी इंप्रूवमेंट लगी है, थोड़ा फास्ट हुआ है पहले से, पहले के मुकाबले सिस्टम परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगी है। तो ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।